नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। SBI रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक GDP की वृद्धि दर बीते वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 1.3% रहेगी। इको रैप में ये अनुमान लगाया गया है कि बीते पूरे वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 7.3% की गिरावट आने का अनुमान है। NSO मार्च तिमाही और 2020-21 के लिए GDP का शुरुआती अनुमान 31 मई को जारी करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे नाउ कास्टिंग मॉडल के मुताबिक चौथी तिमाही में GDP की वृद्धि दर 1.3% रहने का अनुमान है। NSO ने चौथी तिमाही में 1% की गिरावट का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में GDP में करीब 7.3% की गिरावट का अनुमान है। पहले उसने पूरे वित्त वर्ष में 7.4% की गिरावट का अनुमान लगाया था। भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप कोलकाता के साथ सहयोग में नाउ कास्टिंग मॉडल विकसित किया है, जो औद्योगिक गतिविधि, सेवा गतिविधि और वैश्विक अर्थव्यवस्था के 41 उच्च चक्रीय संकेतकों पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.3% की वृद्धि दर के अनुमान के आधार पर भारत 25 देशों में 5वीं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा। इन 25 देशों ने ही अपने GDP के आंकड़े जारी किए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।